हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, एसबीआई लेकर आया है एक बड़ी रिक्रूटमेंट, किसके लिए? स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, और वो भी आईटी में। सो ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन आईटी में या फिर इक्विवेलेंट डिग्री उनके पास है, तो आप सभी इलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेजुएशन के बाद विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो यहाँ पे सैलरी है वो 18.67 लाख है। और हम देखते हैं कि कॉलेजेस में, इवन आईआईटीज में जो पैकेजेस हैं प्लेसमेंट के, वो 5-6-7 लाख रुपए हैं। तो दोस्तों ऐसे में एसबीआई लेकर आया है गवर्नमेंट जॉब, और वो भी 18.67 लाख के पैकेज में। अब ये एक कंफ्यूजन था, कल बच्चों ने पूछा कि सर ये जो एसओ की पोस्ट होती है किस लेवल पे होती है बैंक में। सो दोस्तों आप सभी ने सुना है एसबीआई पीओ, तो जो पीओ होते हैं वो जर्नलिस्ट या फिर मतलब जनरल बैंकिंग का काम करते हैं। तो उसी के इक्विवेलेंट लेवल पे आप इसको ऐसे समझिए, जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो पोजीशन होगी वो स्केल 1 होगी, और स्केल 1 को बोला जाता है असिस्टेंट मैनेजर। ये पीओ एसओ तो जनरली हम वैसे क्लासिफाई करते हैं कि पीओ तो हर कोई होता है, जब तक प्रोबेशन में रहेगा तो वो पीओ होता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो जनरली नेम टर्मिनोलॉजी चला आ रहा है, बट आपको इसको ऐसे समझना है कि दोनों ही एक ही लेवल पे होता है। अब आप समझ सकते हैं ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट होती है वो इसी लेवल से स्टार्ट होती है। सो ये ड्राइव है एसबीआई लेकर आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम भी लेकर आया है बिग बी डे सेल, जिसमें कि आपको 24 से 27 सितंबर के बीच में हमारे कोर्सेज मिलेगा अपटू 70% ऑफ। सो दोस्तों एग्जाम इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर हो सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस मिलती है। सो यहाँ पे 784 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें कि कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, और ये जिनमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 4 ईयर का, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये टोटल वैकेंसीज आप जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस ये है। एक्सपीरियंस वाली जॉब का अगर आप पैकेज देखेंगे तो वो नियरली 25 लाख रुपीज है। सो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कैसे करना है? स्पेशलिस्ट कैडर और वो भी असिस्टेंट मैनेजर में, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आते हैं। ये वेबसाइट है आईबीपीएस की, यही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। यहाँ पे आप देखो मेंशन किया है लास्ट डेट है 4th of October, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप इसको तुरंत अप्लाई कर लें। और लास्ट डेट प्रिंटिंग की है 14th of 9, ऑनलाइन पेमेंट और एग्जाम की डेट बाद में बताई जाएगी ना। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, देन कंफर्म करना है फर्स्ट नेम को, मिडिल नेम फिल करना है उसको कंफर्म करना है, लास्ट नेम को फिल करना है उसको कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है उसको कंफर्म करना है, ताकि किसी भी लेवल पे कोई गलती ना हो। दोस्तों ये गलतियां आगे चेंज या फिर सुधार इनमें नहीं होता है, वो बार बार आपको बताएगा कि ये डिटेल आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा अभी मैं भर देता हूँ, बाद में मैं उनसे बोलूंगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये सारी चीजें आती है कि आपने मिस इन्फॉर्म किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो फिर ये सारी चीजें नहीं मानी जाती है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बाद में मैं सब सही बता दूंगा, अभी मैं कुछ भी भर देता हूँ, नहीं चलता ऐसा। अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच हुए तो आप मान लीजिए कि आपका कैंडिडेटचर वहीं पर कैंसिल होगा, तो इसलिए फॉर्म अच्छे से फिल करना है। ये एक इंपॉर्टेंट है, स्कैन फोटोग्राफ जो यहाँ पे गाइडलाइंस दिए दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फोटो दें। फोटो ऐसी नहीं हो ब्लर ना हो, कुछ समझ ही ना आए ऐसा नहीं, फोटो होनी चाहिए, फोटो सही होनी चाहिए। उसके साथ साथ अपना सिग्नेचर है, जो भी यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिए हैं ब्लैक में, तो उसी पेन में आप करके डालें, नहीं तो फिर बाद में आपको डाउट रहेगा कि सर मैंने ब्लू से कर दिया अब मैं क्या करूं, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें पहले ही ना हो, और ये सारे आपको अभी से ध्यान देते हुए चलने हैं। देन उसके बाद जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है, उसके बाद आप आते हैं बेसिक स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए पहली पोस्ट, यहाँ पे अब यहाँ पे पोस्ट कौन सी चूज करनी है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेप्यूटी मैनेजर रहेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है जिसके रिलेवेंट, तो आप वो डेप्यूटी मैनेजर वाली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज असिस्टेंट मैनेजर जेएमजीएस। जेएमजीएस क्या होता है? जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। सो दोस्तों ये स्केल 1 का, और ये देखिए ये है MMGS 2 की। MMGS क्या होता है? मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। तो ये सेकंड जो GMGS के बाद स्केल 1 क्या स्केल 2 ही बनते हैं, तो ये एक लेवल ऊपर की जॉब है, तो ये आपको देखना है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो भी रेलेवेंट है ये सारी चीजें फिल करनी है, जो भी रेलेवेंट है उनको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ध्यान से भरेगा, डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं होनी चाहिए, जेंडर वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन में दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती होगी तो वो आता है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अभी जो यहाँ पे आप देंगे, पीछे आप उसका डॉक्यूमेंट भी लगाएंगे प्रूफ ऑफ बर्थ, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए दोनों में ही, है ना। देन उसके बाद जैसे ही इसको फिल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ओपन होता है, और ये स्टेप है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है एज ऑन 31 अगस्त, तो ये आपको ध्यान रखना 31 अगस्त में आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन ही कंपलसरी है तो बस यही आपके पास होना चाहिए, जो भी डिग्री है। यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो भी डिग्री है, बी है या फिर बी टेक है या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन अबव स्पेसिफाइड है, तो वो आप डालिएगा। तो जो भी है, जिसमें भी आप एलिजिबल है दोस्तों, वो आपको फिल करना है। ओके, बहुत क्लियरली फिल कीजिए, नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग, जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है वो मेंशन कीजिए, और आगे जो कह सकते हैं कि परसेंटेज है, क्लास है, वो आपको फिल करनी है। देन उसके बाद अगर आपके पास प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है, कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, प्रिफर्ड है, अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए, और जो भी है उसको आपको चूज करना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स है तो वो आप चूज कीजिए, वो वहां पे फिल कर दीजिए, अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब प्रिफर्ड चीजें हैं, बहुत कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैसे आप यस करेंगे तो फिर ये आपसे मांगेगा कि ये आपके पास ये डेवलपर्स के लिए ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर, बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या क्या चीजें, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना एम्प्लॉयर का एग्जिस्टिंग डिटेल्स या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो वो सारा कुछ फिल करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एलिजिबिलिटी के लिए नहीं है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए तो कंपलसरी है फिल करना, बट असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रेशर्स के लिए जॉब है। बट स्टिल आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं नहीं शो करना चाहता हूँ, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, तब उसके बाद आप उसको चीजों को छुपा नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको एनओसी वगैरह भी लेना होता है। जब इसको क्लियरली फिल करते हैं तो उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखता है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आएंगी, आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर वो पूछेगा भैया इसके बाद चेंज नहीं होंगी, तो अगर अभी भी कुछ चेंज करना है तो कर लीजिए। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको फिल करनी पड़ती हैं। फिर जैसे ये फिल करेंगे तो आपको ब्रीफ रिज्यूमे अपना डालना है दोस्तों, रिज्यूमे अच्छा बनाइए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे 70% मार्क्स कंपटीशन से है, मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका 70% वेटेज है, 30% वेटेज इंटरव्यू का है। सो इंटरव्यू में रिज्यूमे ये सारी चीजें ही मायने रखती है। आईडी प्रूफ का पीडीएफ, तो आपने जो भी नेम वगैरह फिल किया है वो इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली उसी का प्रूफ ये है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, रेलेवेंट मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, ये डालिए। आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो पीडीसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो होनी चाहिए, जो भी चीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीट हो, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी होती है ये आप उनको बता रहे हैं कि हम इलिजिबल हैं और ये हमारे पास रेलिवेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो फिर वो आपको हटा देंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए फिल करनी है। तो ये था, जैसे आप इसको फिल करते हैं तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आप फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन दोस्तों ये है, एक्सपीरियंस आपके पास 4 ईयर का है और आपको लगता है कि इनमें आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सीधे स्केल 2 की पोजीशन पे जाते हैं और वहाँ पे पैकेज आपको इतना मिलता है। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हमारे पास आपको सिस्टम मिल जाएगा, कोर्स भी मिल जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।